सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही 4 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय टीम भले ही सीरीज में 2-1 की बढ़त से आगे चल रही है, लेकिन फिर भी चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम में बड़े बदलाव हो चुके हैं। और चौथे टेस्ट मैच के लिए आखिरकार क्या होगी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 और बड़े दिग्गजों का इस पर क्या कहना है, आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, चौथे टेस्ट मैच में क्या पांड्या को खिलाना चाहिए नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आखिरकार पूरे लगभग 2 महीने के बाद भारतीय फैंस के लिए वो घड़ी आ ही चुकी है जब टेस्ट सीरीज का सफर आखिरकार खत्म हो जाएगा। पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली और फिर इंग्लैंड के खिलाफ भारत में ही अब 4 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। हालांकि सीरीज का अंतिम मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है जो कि अपने निर्धारित समय यानी कि 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी भारतीय टीम सेम नहीं रहेगी और टीम में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को शामिल करने की अफवाह आ रही है जो कि अगर टीम में आ जाते हैं तो भारतीय टीम शायद इस मैच को 2 दिनों में भी जीत सकती है। अब दोस्तों ये बात तो साफ हो जाती है कि तीसरे टेस्ट मैच में 2 दिन में ही हारने के बाद इंग्लैंड की टीम अपनी तैयारियों के साथ मैदान पर उतरेगी, तो जाहिर सी बात है कि चौथे टेस्ट मैच में उन्हें हराना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो हर एंगल से सोचते हुए कप्तान विराट कोहली शायद भारतीय टीम में उन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को जगह जरूर देना चाहेंगे जो कि इंग्लैंड की टीम को हर एक जगह पर पछाड़ना जानते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन से बदलाव होंगे जो कि आप सभी को चौथे टेस्ट मैच में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों टीम में सबसे पहला बदलाव जो होने जा रहा है वो होगा जसप्रीत बुमराह को लेकर। हम सभी जानते हैं कि अपने शादी के समारोह को लेकर जसप्रीत बुमराह ने छुट्टी की अर्जी ली है। इस अर्जी को मंजूर कर दिया गया जिसका मतलब जसप्रीत बुमराह फिलहाल तो टीम का हिस्सा नहीं है और क्योंकि वो तीसरे टेस्ट मैच में खेल रहे थे तो अब उन्हें रिप्लेस करने के लिए टीम में आएंगे उमेश यादव जो कि लगभग कंफर्म ही हो चुका है। दोस्तों उमेश यादव का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उम्दा था, हालांकि तीसरे टेस्ट मैच के दौरान चोटिल होकर वो भारत आ गए थे, लेकिन अब वह पूरी तरीके से फिट है और बुमराह को रिप्लेस करने के लिए तैयार भी है। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन वाकई में काबिले तारीफ रहा है पिछले कुछ समय में, तो उनका आना कहीं ना कहीं टीम के लिए फायदेमंद जरूर रहेगा। दूसरा बदलाव बहुत ही ज्यादा रोमांचक है दोस्तों, यह बदलाव होगा शायद वॉशिंगटन सुंदर को लेकर। ऐसे तो दोस्तों सुंदर एक स्पिनर गेंदबाज हैं और अहमदाबाद के इस मैदान पर स्पिनर गेंदबाजों का ही बोलबाला है, लेकिन क्योंकि भारतीय टीम के पास अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन दोनों ही अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं कप्तान चाहेंगे कि शायद टीम में एक मजबूत बल्लेबाज क्यों ना आ जाए जो कि पांड्या के रूप में हो सकते हैं। दोस्तों पांड्या का रिकॉर्ड इंग्लैंड की टीम के खिलाफ शानदार रहा है, ना तो वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम का हिस्सा बन पाए थे टेस्ट सीरीज का और ना ही इंग्लैंड की टीम के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला है। ऐसे में हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल करने की मांग भी उठ रही है जिसके चलते कप्तान कोहली उन्हें टीम का हिस्सा जरूर बनाएंगे। तीसरा और एक और बदलाव हो सकता है केएल राहुल को लेकर। दोस्तों शुभमन गिल उम्दा खिलाड़ी हैं, इस बात में कोई शक नहीं, परंतु क्योंकि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अपनी सरजमी पर वो कुछ खास नहीं कर पाए और चौथे टेस्ट मैच में कप्तान कोहली कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसके चलते शायद वो अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को टीम में खेलने का एक मौका जरूर देंगे और यही मौका केएल राहुल का फिर से करियर बदल सकता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर राहुल टीम का हिस्सा थे लेकिन चोटिल होकर वापस आ गए थे, अब उनका मनोबल बढ़ाने का समय आया तो कप्तान कोहली शायद उन्हें खेलने का मौका जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि भारत की फाइनल प्लेइंग 11 बदलावों के साथ कैसी होगी। तो दोस्तों टीम की सलामी जोड़ी को संभालते हुए नजर आएंगे केएल राहुल और रोहित शर्मा। इसके बाद टीम के मिडिल ऑर्डर की कमान रहेगी कप्तान विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत के हाथों में। टीम में 3 ऑलराउंडर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन, तो वहीं तेज गेंदबाजी कराते नजर आएंगे ईशांत शर्मा और उमेश यादव। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, क्या पांड्या और केएल राहुल को वाकई में खेलने का मौका देना चाहिए नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी आप सभी को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलते नजर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही इरफान पठान और यूसुफ पठान ने प्रैक्टिस करते हुए ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई है जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अगर धोनी को भी इंडियन लेजेंड की टीम का हिस्सा बनाया जाए तो किसे कप्तान बनाना चाहिए, धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम आज सफलता के जिस किसी भी मुकाम पर है वो अपने दिग्गज खिलाड़ियों की बदौलत है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, यूसुफ पठान, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग व इरफान पठान जैसे नाम। इन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के लिए ऐसा प्रदर्शन किया है जिसे कोई नहीं भूल सकता, लेकिन अब यही सभी खिलाड़ी एक टीम में फिर से इकट्ठा होकर
अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, युवराज सिंह और साहिर खान तक इस टीम का हिस्सा होंगे। और हमारी टीम किसी एक टीम से नहीं बल्कि पूरे विश्व की टीमों से भिड़ती नजर आएगी, जिसमें विश्व भर के दिग्गज होंगे। इस टूर्नामेंट का नाम है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 का टूर्नामेंट, जो कि रायपुर में खेला जाएगा। सभी मुकाबले वही होंगे और खिलाड़ियों ने पहुँचना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने एक तस्वीर पोस्ट करी है जिसमे वह युवराज सिंह के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले शाम 7 बजे से रिश्ते सिनेप्लेक्स पे दिखाए जाएंगे। क्योंकि ये एक T20 टूर्नामेंट होगा, वो भी दिग्गजों के बीच में, तो ये कितना ज्यादा रोमांचक होगा आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यह कोई 2 या 3 दिन का टूर्नामेंट नहीं होने वाला। आपको बता दें कि यह पूरा टूर्नामेंट पूरे 16 दिनों तक चलेगा। सभी टीमें ग्रुप्स में बांटी जाएंगी और फिर उसके बाद फाइनल मुकाबले होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय टीम का नाम इंडियन लेजेंड्स हैं, जिसकी कप्तानी खास तौर पर सचिन तेंदुलकर ही करते हैं। लेकिन इस बार जो प्रोमो रिलीज किया गया है उसमें धोनी को भी दिखाया गया है, तो अभी इस बात पर सस्पेंस है। अगर बात करें अन्य खिलाड़ियों की, तो टीम में युवराज सिंह, जाहिर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, यहाँ तक कि प्रज्ञान ओझा भी टीम का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसी टूर्नामेंट के लिए सभी खिलाड़ियों ने अपनी जोरदार प्रैक्टिस को भी शुरू कर दिया है। और एक प्रैक्टिस के दौरान इरफान और यूसुफ पठान ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके दिखाई है कि लगता है कि मानो यह आज भी भारत के लिए खेलते हों। दोस्तों खबरों के मुताबिक वैसे तो लगभग 90% खिलाड़ी रायपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन रायपुर पहुंचने से पहले अपने आखिरी प्रैक्टिस सेशन में यूसुफ पठान ने जहां मैदान से बाहर छक्के जड़े, तो वहीं इरफान पठान ने अपनी शानदार रफ्तार की गेंदबाजी का मनजारा पेश किया। साथ ही दोस्तों इरफान पठान ने शानदार ही बल्लेबाजी भी करके दिखाई, जो कि इस बात के संकेत हैं कि रायपुर में होने वाले इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला ही बहुत ज्यादा रोमांचक होगा। क्योंकि इस मुकाबले में किसी और खिलाड़ी का तो पता नहीं, लेकिन पठान ब्रदर्स का जलवा हमें 100% देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत 5 मार्च से हो जाएगी और पहला मुकाबला भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में होगा। और ये बात पूरी तरीके से कंफर्म बताई जा रही है कि पठान ब्रदर्स भारतीय टीम का हिस्सा तो बनेंगे ही। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या इस टूर्नामेंट में जब पठान ब्रदर्स जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं तो क्या धोनी को भी इसका हिस्सा बनना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज आखिरकार अपने सबसे रोमांचक मोड पर आ चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज का 4th मुकाबला बहुत ही जल्द अहमदाबाद के मैदान में शुरू हो जाएगा। एक तरफ जहां भारतीय टीम के पास मौका है इंग्लैंड की टीम को हराकर इतिहास रचकर सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का, तो वहीं इंग्लैंड की टीम भी चाहेगी भारतीय टीम को हराकर अपनी लगातार 2 हार का बदला लेने का। लेकिन इसी बीच भारत के एक धुरंधर यानी कि हार्दिक पांड्या का मैदान में तूफान आ चुका है, जो कि टीम में भी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, 4th टेस्ट मैच के लिए क्या हार्दिक पांड्या को टीम का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही सीरीज में भारतीय टीम 2 मैचों की अजेय बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। इस सीरीज का विपुल भले ही इंग्लैंड की टीम ने जीत कर बजाया था, लेकिन आगे चलकर भारतीय टीम ने जोरदार पलटवार किया, दूसरे टेस्ट मैच को भी एक बड़े अंतर से जीता और